सिलेबस ऑफ UT2 एग्जाम। तो कोशिश करेंगे बेटा जितने चैप्टर आज रिवाइज हो जाएंगे, कुछ चैप्टर हमने पहले रिवाइज किए थे, तो आज चैप्टर 15 से स्टार्ट करते हैं, लाइट, जो कि हमारा यूटी सिलेबस का ही पार्ट है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड ए डैश इमेज। जिस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते क्या कहेंगे हम उसको, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज। तो कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन तो आएगा बेटा आपका वर्चुअल इमेज। और अगर डेफिनेशन भी पूछे तो यही डेफिनेशन होती है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। जो कन्वेक्स मिरर हमारा होता है उसकी जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो कर्व आउटवर्ड होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल रहेगी, स्मॉलर इन साइज रहेगी। ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उससे हमेशा ही स्मॉलर साइज की होती है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में भी है कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, सेम साइज का होता है प्लेन मिरर। प्लेन, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड ए डैश इमेज, इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आपका फिलअप है उसमें कैन नॉट है, यहाँ पे कैन। सो जो ऑब्टेन हो सकती है इमेज स्क्रीन पे वो रियल होती है, जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती वो कैसी होती है, वर्चुअल। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। सो कनकेव लेंस की बात हो रही है बेटा, कनकेव लेंस। कनकेव मिरर होता तो रियल इमेज भी आ सकती थी वहां पे। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, मार्क टी फॉर इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इफ इट इज फॉल्स। वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ये फिलिप्स बी भी आया था, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। सो ऑलवेज वर्चुअल इन स्मॉलर इन साइज है, सो वी कैन ऑब्टेन ऑन एन एनलार्जमेंट, नो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कन्वेक्स मिरर से कभी भी एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज नहीं आ सकती, इरेक्ट इमेज तो आ जाएगी, मैग्नीफाइड नहीं आएगी। सो क्या कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, ऑलवेज कनकेव लेंस, यस कनकेव जो लेंस होता है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इट इज ट्रू, कनकेव लेंस की बात हो रही है बेटा। वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड इन्वर्टेड इमेज बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रियल एनलार्ज्ड इन्वर्टेड, यस बन सकती है। हमने वो एक एक्टिविटी की थी कि कैंडल को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे रखें, कनकेव मिरर के नजदीक लेके आए, कनकेव मिरर से दूर लेके जाए, तो डिफरेंट पोजिशन पे इमेज की जो हाइट है यानी कि जो उसका साइज है वो डिफरेंट होता है। सो रियल इमेज भी ऑब्टेन हो सकती है, इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है कनकेव मिरर से, और एनलार्ज भी बन सकती है। सो वी कैन ऑब्टेन रियल एनलार्ज्ड इन्वर्टेड इमेज बाय कनकेव मिरर, बन सकती है भाई, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज तो ऑब्टेन कर सकते हैं हम स्क्रीन पे, तो इन्होंने कहा कैन नॉट, तो कैन नॉट से क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट होगी, फॉल्स। कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। कनकेव मिरर ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता, कनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द टाइम रियल बनाएंगे, बट बिल्कुल जब कनकेव मिरर के नजदीक हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, स्पून वाली जो एक्टिविटी हमने की थी कि एक स्पून को आप बिल्कुल अपने फेस के नजदीक रखिए, आपको आपकी इमेज इरेक्ट और मैग्निफाइड दिखाई देगी, और जो इरेक्ट इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। इरेक्ट जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड उल्टे, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी रहती हैं, इरेक्ट रहती हैं। सो ऑलवेज फॉर्म रियल, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम रियल बनाएंगे कनकेव मिरर से, बट जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के नजदीक रख देंगे तो वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो कैसा है, ऑलवेज के लिए तो नहीं रहेगा, वैसे होता तो हम ट्रू करते इसको, बट ऑलवेज में तो क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे इसको। मैच द कॉलम क्वेश्चन सेकंड, प्लेन मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज की इमेज और इरेक्ट होती है। कनकेव कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस भी थे कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, हमेशा ही इरेक्ट बनाएगा, स्मॉलर साइज होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हम उसको यूज करते हैं, यानी कि छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, इसकी हेल्प से, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। सो मैग्नीफाइंग लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी यूज कर सकते हैं। कनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, यस, अभी लास्ट ट्रू फॉल्स में था ना कि हमेशा ही क्या बनाता है, रियल इमेज। तो ये देखिएगा, डेंटिस्ट जब यूज करते हैं तो बिल्कुल नजदीक से दांतों को देखते हैं कनकेव मिरर से, तो उस टाइम पे क्या बना रखी होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है, एनलार्ज्ड इमेज होती है, मैग्निफाइड। अ कनकेव लेंस, अब लेंस की बात हो गई है, पहले मिरर की बात थी। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कनकेव लेंस इरेक्ट इमेज बनाते हैं, इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉलर साइज में बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यस, प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इमेज बनती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसी रहेंगी वो। तो देखिएगा बेटा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो कॉम्बिनेशन आपको बहुत बार मैंने बता रखा है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड यूज कीजिएगा, क्योंकि जो इमेज वर्चुअल हुई वो इरेक्ट होगी, 100% इरेक्ट होगी, और जो इमेज आपको इरेक्ट दिखाई देती है वो इमेज कैसी है, वो वर्चुअल ही है। सो वर्चुअल इरेक्ट का कॉम्बिनेशन, रियल इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन रहते हैं। एक तो कैसी होती है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, हमेशा हमें सीधी दिखाई देती है। लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, यानी हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं, जो घर के अंदर हम अपना मिरर यूज करते हैं, जब हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमारी जो इमेज है राइट हैंड रेज करती है, राइट हैंड उठाती है, जब हम अपना लेफ्ट ईयर को पकड़ते हैं तो इमेज में राइट ईयर वो पकड़ती है। तो इस तरह से यानी कि साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, और ये इंटरचेंज ऑफ साइड को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज है वो कैसी हुई, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल का मीनिंग होता है साइड, इन्वर्ट मीन्स रिवर्स हो जाना, सो जो साइड है वो इंटरचेंज हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट में दिखती है और राइट साइड लेफ्ट में दिखती है प्लेन मिरर के अंदर। नेक्स्ट, इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज जितनी ही होती है, जितनी हाइट का जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ होता है उतनी ही उसके पीछे इमेज बनती है, इमेज उतनी ही उसके बिहाइंड बनती है। ये थी बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच इमेज फॉर्म्ड
इन ए प्लेन मिरर अपियर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ, कि जैसा लेटर एग्जैक्टली है वैसा ही इसमें दिखाई दे, मिरर के अंदर दिखाई दे, उसकी इमेज भी बिल्कुल वैसी ही हो, यानी कि जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है ना लेटरली इन्वर्जन, कि लेफ्ट राइट में चेंज होता है, राइट लेफ्ट में, उसका कोई इफेक्ट दिखाई ना दे। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होते, चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि सिमिट्री है, वर्टिकल सिमिट्री है, वर्टिकल सिमिट्री की वजह से वो उसमें कुछ फर्क हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होगा अगर हम उसको, जैसे ये ए बना हुआ है ना, एक साइड से इसको रेड कर दें और एक साइड से इसको व्हाइट कर दें, फिर आपको लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में दिखाई देगा। अब क्योंकि ये ब्लैक कलर में है तो वो जो चेंज हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही है। सो इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर हैं जिनके अंदर वर्टिकल सिमिट्री है, ये मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है बेटा, जूनियर क्लासेस में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल सिमिट्री बताइए, वर्टिकल सिमिट्री बताइए। तो इफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ये अल्फाबेट हैं जिनके अंदर वर्टिकल सिमिट्री है, जो एज इट इज दिखाई देंगे, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अगर आप इनको मिरर के सामने रखेंगे तो ये एज इट इज ही दिखाई देंगे, कोई भी आपको चेंज उसमें नजर नहीं आएगी। तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो लेटरल इन्वर्जन वाला इफेक्ट वो इनपे अप्लाई नहीं हुआ, जबकि वो अप्लाई होता है, क्योंकि इनके अंदर वर्टिकल सिमिट्री है इसीलिए एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे वो खुद हैं। Kept in front of a plane mirror, they would form image which exactly look like the original letter of the alphabet. उनकी इमेज ओरिजिनल लेटर जैसी ही दिखाई देती है। These letters are vertically symmetric. ये vertically symmetric हैं। For example, if we divide the letter A and U in the middle से आप divide कर दो इसको, देखिए जैसे diagram में दिखाया हुआ है, then we would find that the राइट हाफ्स आर इक्विवेलेंट टू द लेफ्ट हाफ्स ऑफ द लेटर, उनका जो राइट हाफ्स है वो लेफ्ट हाफ के बिल्कुल जैसा है, सिमेट्रिक है। Hence, even if the image interchange sidewise, इंटरचेंज साइड वाइज का क्या मीनिंग है, लेटरली इन्वर्टेड, अगर इमेज लेटरली इन्वर्जन हो भी जाए इमेज के अंदर, इट विल अपियर द सेम एज द लेटर, जैसा लेटर पहले है वैसा ही दिखाई देगा। तो कोई चेंज इसमें दिखाई देने वाली नहीं है। तो ये कुछ एक लेटर्स है, ये मैथमेटिक्स में भी आता है इस तरह के क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर आपने जूनियर क्लासेस में किए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ये कैसा एग्जाम्पल आपने देना सिचुएशन जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप खुद का दिया करो, कि जब हम अपने आप को खुद को मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में, तो हमारी जो खुद की इमेज होती है वो कैसी होती है, वो वर्चुअल ही है। तो सबसे पहला एग्जांपल तो खुद से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, जब एक इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी है, वो वर्चुअल है, बिकॉज इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड ईदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड इट, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें, उसके पीछे रखें, उसकी इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जिस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन होगी बेटा, When an image cannot be obtained on a screen, it is called a virtual image. और प्लेन जो मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड ए कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बीच में डिफरेंस आप बताइए बेटा। सबसे पहला डिफरेंस जो आप लोगों को करना है वो है उनकी शेप जो बनानी है। कनकेव मिरर आप ड्रॉ करेंगे, सॉरी लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस आप ड्रॉ करेंगे, कनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो उनकी ड्रॉ करके आप दिखाएंगे। फिर है डेफिनेशन, कन्वेक्स लेंस जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कैसा है कन्वेक्स लेंस, जो मिडल है मिडल से तो वो क्या है, थिक है, और जो
एज है वो थिन है. कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल व्हाइल कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल. कनकेव लेंस तो थिन है मिडल से और कन्वेक्स लेंस कैसा है, थिक है. अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को जो लाइट रेज उसके ऊपर गिरती हैं, एक जगह पे मीट करवाएगा, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी है. व्हाइल अ कनकेव लेंस डाइवर्ज लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. जो कनकेव लेंस है उस पर जब लाइट रेज गिरती है तो वो लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, एक पॉइंट पे मीट नहीं होने देता. तो ये भी दोनों की खासियत है. तो जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, उसके अंदर से पास होने के बाद एक पॉइंट पे मिल जाएंगी. जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि लाइट रेज आई लेफ्ट से और कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है. तो कन्वेक्स लेंस को कैसा लेंस कहेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस. डायग्राम बिल्कुल ड्रॉ करना है आपने. दूसरा डायग्राम आप देख पाएंगे कनकेव लेंस के केस में कि लेफ्ट से लाइट रेज आती है और राइट में जाते हुए क्या हो गया, वो डाइवर्ज होगी, फैल गई. अब ये आगे जाके कहीं पे भी वो मीट नहीं करेंगी, उनके रास्ते दूर दूर हो चुके हैं तो वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. ऐसी लाइट रेज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग. तो जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है और जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस हम उसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस. गिव वन यूज ईच ऑफ ए कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. पहले लेंस के बीच में डिफरेंस पूछ लिया है, अब मिरर का यूज, एक कनकेव मिरर का यूज बताइए और एक यूज बताइए कन्वेक्स मिरर का. आपको एक से भी ज्यादा पता होना चाहिए बेटा, जब चैप्टर को लर्न कर रहे थे तब भी मैंने बताया आप लोगों को. कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट्स टीथ. तो जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे डॉक्टर, वो जो पेशेंट की जो टीथ है उनको देखने के लिए इसको यूज करते हैं, कनकेव मिरर को यूज करते हैं. कनकेव मिरर की खासियत है कि जब नजदीक उसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो वो मैग्निफाइड करके दिखाता है, एनलार्ज इमेज. तो इसीलिए डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं. कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की स्मॉल इमेज, डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल और अपराइट, अपराइट मीन्स इरेक्ट इमेज बनाता है. तो इट इज यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर ऑफ द कार. कार के जो साइड में जो मिरर लगा होता है ना पीछे देखने के लिए, साइड व्यू मिरर, तो उसमें हम यूज करते हैं. बिकॉज इट एनेबल द ड्राइवर टू व्यू ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिम हर. ठीक है, ये ड्राइवर को आसानी प्रदान करता है कि वो एक बहुत बड़े एरिया की इमेज देख सकता है, यानी उसके पीछे जो ट्रैफिक आ रही है वो काफी लार्ज एरिया तक वो देख सकता है. अगर वो प्लेन मिरर यूज करेगा तो स्मॉल एरिया कवर होगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो लार्ज एरिया, स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑब्जेक्ट को दिखाता है. तो ये दो खासियत है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर में, ये दो यूजेस यहाँ पे रहेंगे. विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज. विच टाइप ऑफ मिरर, तो जो कनकेव मिरर है कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिर्फ कनकेव, हालांकि कनकेव में भी वर्चुअल बनती है एक केस में, बट उसके अलावा उस केस को छोड़ गए बाकी सभी केस में क्या बनेगी, रियल इमेज. क्या कन्वेक्स मिरर बना सकता है, कन्वेक्स मिरर कभी भी नहीं बना सकता. क्या प्लेन मिरर बना सकता है, नहीं बना सकता. जो दो थ्री टाइप के मिरर हमने पढ़े हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो सिर्फ कनकेव मिरर ही है जिसके पास रियल इमेज बनाने की कैपेबिलिटी है. बाकी के जो हमारे मिरर हैं, चाहे वो प्लेन मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, वो रियल इमेज नहीं बना सकते, कभी नहीं बनाते वो. उनके लिए तो वर्चुअल और इरेक्ट वर्ड हम यूज करेंगे. जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर ही बना सकता है. अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द नेचर ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर. नेचर ऑफ द इमेज, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का कनकेव मिरर से, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर वो डिस्टेंस बिल्कुल नजदीक रहा, किसके, कनकेव मिरर के नजदीक होगा,
तब रियल नहीं बनेगी, उसको छोड़ के हमेशा रियल ही बनेगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज? ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल। अभी अभी हमने डिफरेंस पढ़े थे कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में, तो जो अभी स्क्रीन पे भी जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, वो है हमारा कनकेव लेंस, और ये कनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज वाला कोई नहीं है, लेकिन ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज वाले जरूर है हमारे पास। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज में आएगा हमारे पास कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, क्योंकि लेंस पूछा गया है। अगर मिरर पूछा जाता, ऑलवेज फॉर्म में मिरर कौन से होते भाई? एक तो प्लेन मिरर और दूसरा हमारा कन्वेक्स मिरर, मिरर। लेकिन क्वेश्चन में लेंस पूछा गया है, सो ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता, वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वर्चुअल भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट से लार्जर भी होनी चाहिए, तो यानी कि मैग्नीफाइड होनी चाहिए भाई वो। सो कनकेव लेंस से, कनकेव मिरर से, कन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर, कहाँ से बनेगी? एक तो वर्चुअल हो और एक मैग्नीफाइड हो, ऐसा काम कनकेव मिरर कर पाएगा, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर। डेंटिस्ट भी जो यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कनकेव मिरर से देखते हैं पेशेंट्स के टिथ को, वो मैग्नीफाइड दिखाई देती है, और एक्चुअल में होती कैसी है वो वर्चुअल होती है। तो क्या पूछा गया था? वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, ये काम सिर्फ कनकेव मिरर ही कर पाएंगे। तो कनकेव मिरर वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर से तो बिल्कुल सेम साइज की दिखाई देगी, कन्वेक्स मिरर हमेशा ही स्मॉल साइज की बनाते हैं, और कनकेव लेंस भी नहीं बना पाएंगे, कनकेव लेंस से भी स्मॉलर साइज की ही बनेगी। तो क्या बचा हमारे पास? कनकेव मिरर एक केस में वर्चुअल बनती है जब ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक होता है, तो वही केस है जिसमें वर्चुअल भी बनेगी और जो साइज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। सो ऑप्शन आएगा हमारा कनकेव मिरर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और 13, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप सा है, बट अगर आप थोरेटिकली भी इसको देखेंगे समझेंगे तभी भी ये हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। आप खुद को मान के चलिए डेविड की जगह पे कि प्लेन मिरर में अपनी खुद की इमेज देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, 4 मीटर है बेटा मिरर से, ना कि डेविड से। अब मिरर के सामने खड़े हो, आपसे इमेज का डिस्टेंस नहीं है, मिरर से। लेकिन क्या खासियत होती है कि जितना हम मिरर के सामने खड़े होते हैं हमारी इमेज भी मिरर से उतनी ही बिहाइंड बनती है। यानी कि अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कितना होता है, वो डबल हो जाता है, कि जितना ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस है उसका हम डबल कर दें तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस आ जाता है। तो इफ ही मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ चलता है तो इमेज भी पीछे से मिरर की तरफ आ जाएगी 1 मीटर, तो 1 मीटर वो भी पीछे से आ जाएगी आगे की तरफ। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो पहले तो क्या दिया हुआ है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर, सो डेविड से इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया भाई? वो 8 मीटर हो गया, बिल्कुल 8 मीटर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, 8 मीटर हो जाएगा। अब जैसे ही डेविड 1 मीटर चलेगा उसकी इमेज भी तो 1 मीटर कम हो जाएगी, तो 1 मीटर डेविड चला, 1 मीटर इमेज चली, तो 1 मीटर तो डेविड का डिस्टेंस कम हो गया, 1 मीटर किसका डिस्टेंस कम हो गया? इमेज का। तो पहले डेविड और इमेज के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर था, अब 2 मीटर लेस हो गया तो कितना रहेगा? 6 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? 6 मीटर। एक तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, दूसरा जो डायग्राम के हिसाब से मैंने बना रखी है उसको एक्सप्लेन करते हैं।
इन केस ऑफ द प्लेन मिरर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर डी वन इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट डी टू, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द डेविड इमेज वो डी टू है, कितना है 4 मीटर. देयरफॉर डी वन इज इक्वल टू डी टू इफ द डेविड मूव्स, डेविड मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, 1 मीटर चलता है तो इमेज भी 1 मीटर चलेगी. तो डी वन कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, डी टू भी कितना हो जाएगा 3. अब दोनों को हम ऐड कर दे, डी वन प्लस डी टू, डेविड ऑब्जेक्ट माने और इमेज जो है मिरर के अंदर वो इमेज है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 6 मीटर. एक एक्सप्लेनेशन ये है, दूसरा आप सिंपली उसको सोच सकते हैं किस तरह से होगा वो. क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल इसी तरह से इस पे भी आपने ध्यान देना है कि सिचुएशन क्या है. ठीक है, इनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इनको बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल कंसेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है. द रियर व्यू मिरर ऑफ द कार इज ए प्लेन मिरर. अब वैसे तो हम कन्वेक्स यूज करते हैं लेकिन इन्होंने प्लेन मिरर की बात की हुई है. अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार, रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, पीछे की तरफ जा रहे हैं. द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार. अब उसके पीछे ट्रक खड़ा हुआ है, कार के पीछे उसको देखता है उसके अंदर. द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, कितनी स्पीड से वो ट्रक ड्राइवर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा. हालांकि वो खड़ा हुआ है लेकिन जैसे हम रिवर्स करते हैं वो ट्रक हमें आता हुआ दिखाई देगा मिरर के अंदर, वो स्पीड कितनी होगी. दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड. अब एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करते हैं. स्पीड ऑफ द कार 2 मीटर विच मीन्स द कार इज अप्रोचिंग द ट्रक. कार ट्रक की तरफ कितनी स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर. ठीक है, वो तो कौन जा रहा है, कार जा रही है. द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द ट्रक विल डिक्रीज एट ए डबल रेट, डबल रेट से डिक्रीज होगा. ये डेविड वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि इमेज जब 1 मीटर चलती है तो ऑब्जेक्ट भी 1 मीटर ही चलेगा, 1 1 मीटर. ठीक है, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया. अगर ये कार 2 मीटर जाती है 1 सेकंड में तो जो ट्रक है वो भी 2 मीटर आगे की तरफ आएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर, कितने सेकंड में 1 सेकंड में. तो सिंपल सा आंसर है, क्या आंसर आएगा 2 मीटर इन 1 सेकंड. तो 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर + 2 मीटर कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा हमारे पास. होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन. वहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड आ गई है, क्योंकि जो स्पीड है मोशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, स्पीड होती क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. बस जब डिस्टेंस डबल रेट से चेंज होगा तो स्पीड भी डबल रेट से चेंज होगी, क्योंकि टाइम तो फिक्स है ना 1 सेकंड के अंदर. पहला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, उसमें जब डेविड चलता है 1 मीटर तो इमेज भी 1 मीटर चलती है, तो 1 + 1 2 मीटर का डिस्टेंस कम हो गया था. अब यहां पे क्या होता है कि अगर कार 1 सेकंड में 2 मीटर जाती है किसकी तरफ, वो ट्रक की तरफ, तो जो ट्रक की जो इमेज है वो भी तो 2 मीटर कम होगी ना, कार की तरफ आते हुए दिखाई देगी. तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज हो रहा है 4 मीटर इन 1 सेकंड. तो टाइम डिवाइड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है. तो 4 मीटर इन 1 सेकंड. So the distance between the car and the truck will decrease at the double rate. This is because the image of the truck will travel a distance twice the distance traveled by the car in equal times. Hence, the image of the truck will appear to approach the driver with the speed of 2 × 2, 4 meter per second. 1 second के अंदर 4 meter. ये speed किसकी रहेगी? ये रहेगी जो truck आएगा car की तरफ. तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 15. ठीक है, सो अभी पूरे यूटी सिलेबस में से कोई डिफिकल्टी हो, क्योंकि कुछ चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रिवाइज किए थे, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन. राजन सर, सर हाँ जी सर,
पूछना है तो ओके सर, ऑन कर लेना अपना भी।